हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं ली हूँ आधा चम्मच दरदरा कुटा काली मिर्च, एक मीडियम साइज प्याज ली हूँ मैं, उसे भी कट कर ली हूँ मैं। धनिया ली हूँ मैं, हरी मिर्ची एक ली हूँ मैं, इस तरीके का कट कर ली हूँ। और यहाँ टमाटर ली हूँ, दो लहसुन की कलियाँ ली हूँ, और एक मैं ली हूँ मीडियम साइज का आलू। तो इसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ, कद्दूकस करके ही लेना इसे। और दो मैं ली हूँ अंडे। आपको आलू को इसी तरीके से कट करना है। और यहाँ मैं पैन रख दी हूँ, उसमें डाल दी हूँ मैं सरसों का तेल। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं, पर हम लोग यही तेल यूज़ करते हैं। तो मैं ली हूँ एक चम्मच सरसों का तेल। तो ये गर्म हो चुका है। और दो लहसुन की कलियाँ जो है, तो उसे मैं इस तरीके से घस के इसमें डाल दूँगी। इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो ये नाश्ता बहुत ही फास्ट बनने वाला है, तो ज़रूर से बनाएं आप लोग भी। तो लहसुन के कलियों को मैं इसी तरीके से घस के इसमें डाल दूंगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं मेरे बताए हुए तरीके से। तो लहसुन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा है। तो आलू को आप कद्दूकस करके ही डालें, बारीक मत काटें, नहीं तो वो जल्दी पकेंगे नहीं। क्योंकि ये नाश्ता हम सिर्फ 5 मिनट में ही बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सारे आलू को हमें फैला देना है पैन में, अच्छे तरीके से ऐसे दबा देना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। तो देखिए इसे मैं दबा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर कटे हुए। तो बिना चीज़ के बनाए और बहुत ही टेस्टी ये बनके रेडी होता है। तो आप इसे जब बना के रेडी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने इसमें ढेर सारे चीज़ डाल दिए हैं। तो ये मैं प्याज भी कटे हुए इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो टुकड़ों में कट कर लें प्याज को, मैं इसी तरीके से कट की हूँ, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आप सबको दिखाना भूल गई थी, जब हमने आलू को कद्दूकस किया था उसके बाद में उसमें हमने 1 पिंच के जितना नमक मिला दिया था कि जब हम आलू खाएँ तो फीका ना लगे। तो ये मैं काली मिर्च भी इसमें डाल रही हूँ, इससे थोड़ा चटपटा बनेगा। अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। तो मैं अंडों को तोड़ लेती हूँ और उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक कि फीका ना लगे नाश्ता हमारा। तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया इसमें और अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। तो ये अच्छे से फिट चुका है। तो अब हम इस सब्जियों के ऊपर अंडे को अच्छे से डाल देते हैं। तो ये अंडा जो है ये चीज़ का काम करेगा। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपके बच्चे हमेशा इसी की डिमांड करेंगे। तो फिर से मैंने ऊपर से इसमें काली मिर्च डाल दी हूँ और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है। और ये मैं कुछ हरे धनिए के पत्ते भी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनके रेडी हो गया है ना। पिज्ज़ा ऑमलेट एकदम पिज्ज़ा की तरह दिख रहा है ये। तो मैं इसे आप दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। और ये नीचे से भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो ये ऑमलेट पिज्ज़ा तो रेडी हो चुका है, अब हम इसे खाएंगे कैसे तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैं पैन रख दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ मैं आधा चम्मच से भी कम तेल। और एक पाव सेक लेते हैं, अच्छे तरीके से इसे सेक लेते हैं। तो आप चाहें तो पाव के साथ खाएं और नहीं तो आप इसे पराठे के साथ खाएं, लेकिन पाव के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि नीचे से कितने अच्छे से ये पक चुका है और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हो चुका है। तो देखिए
ये रेडी हो चुका है और देखिए ये नीचे से कितना अच्छे से पक चुका है। तो हमारी रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। तरीके से मैं पाव में रख के आपको बता रही हूँ, इस तरीके से खाएं या पराठे के साथ खाएं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।